E-learning. I am here, Mrs. Bhargo, your science teacher, to teach you the previous chapter. Is matter around us is pure. It's sixth part. I am going to explain you. Now, till now we have learned about the different kinds of methods by which we can get the pure substances, or we can purify the substances, or we can separate the constituents of a mixture. Now in this part we are going to study the what are the different types of pure substances. Means whatever pure substances are available, or whatever pure substances are made, they are of what kind, kis tarah ke hote hain. To sabse pehle main aapko batati hu isme ki they may be either elements or compounds. अगर कोई चीज़ प्योर है तो वो या तो एलिमेंट के फॉर्म में है या कंपाउंड के फॉर्म में. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमेंट आफ्टर ऑल है क्या. रॉबर्ट बॉयल एक बहुत अच्छा बड़ा साइंटिस्ट था. उसने 1661 में एलिमेंट नाम दिया. ही हैज़ कॉइन्ड द नेम एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आफ्टर दैट इट वॉज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया एलिमेंट को, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Means एक element जो है उसको further हम किसी और दो substance में नहीं break कर सकते. Like अगर copper pure है तो that copper will remain copper as it is. उसको हम copper से कुछ और नहीं बना सकते, उसमें से कुछ और नहीं निकाल सकते. तो such things are known as elements. Now elements are also of different categories. They are normally divided into metals, non-metals and metalloids. In class 8 also you have learned about these properties and about these things. Now this is again a recap of that, but here in some detail we will learn about that. So metals are those elements which shows following characteristics. Means metals ki kuch fixed characteristic hoti hain jo wo शो करते हैं. लाइक दे हैव अ लस्टर, उनमें एक तरह की मेटलिक शाइन होती है, एक लस्टर होता है. उसके अलावा दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो, मींस देयर कलर मे वेरी. दे मे बी सिल्वरी, दे मे बी गोल्डन, दे मे बी ऑफ कॉपर कलर. सो दे डिफर फ्रॉम कलर. नेक्स्ट दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मोस्टली वी आर यूजिंग मेटलिक ऑब्जेक्ट्स, हम लोग ज़्यादातर मेटलिक ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द वायर्स, फॉर यूजिंग द यूटेंसिल्स. देन दे आर डक्टाइल. हियर डक्टाइल इज मीन्स, डक्टाइल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि हम किसी भी एलिमेंट के वायर्स ड्रॉ कर सकें, मतलब पतले पतले वायर्स खींच सकें. सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. तो हम क्या कहते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि उनके हम थिन वायर्स खींच सकते हैं. गोल्ड के हम इतने पतले थिन वायर्स खींच सकते हैं कि वी कैन गेट फ्यू ऑर्नामेंट्स इन 1 or 2 grams. बाय मेकिंग स्मॉल स्मॉल थिन वायर्स वी कैन मेक इट. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेलेबल. मेलेबल का मतलब होता है कि अगर उनको शीट उनको हैमर किया जाए, इफ़ दे आर हैमर्ड तो दे विल कन्वर्ट इन टू शीट्स. ऐसे एलिमेंट, ऐसी चीज़ें वो मेटल की कैटेगरी में आती हैं कि जिनको हम हैमर करते हैं तो उनकी पतली पतली शीट्स बन जाती हैं. बच्चों आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, व्हाट इट इज़, ये एल्यूमिनियम एक मेटल है. इसको इतना प्रेस किया जाता है कि इसकी एक फॉइल जैसी पतली सी शीट बन जाती है. आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल ऑल्सो विच इज़ यूज ऑन स्वीट्स, हम लोग मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, उसमें भी यही होता है. देन नेक्स्ट दे आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है वो एक रिंगिंग साउंड करते हैं. आपके स्कूल की बेल जब बजती है तो उसकी एक जो टिपिकल साउंड होती है दैट इज़ नोन एज सोनोरस. अगर आप गलती से कोई यूटेंसिल गिराते हैं, गिर जाता है आपसे या गिराते हैं जानबूझ के, तो उससे जो फॉइल साउंड होती है दैट इज़ सोनोरस. मींस एक टाइप की बैंगिंग साउंड और सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेटल्स. अब आपको इसके एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए. सो मैनी मेटल्स आर अवेलेबल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. बट हियर आर सम एक्सेप्शंस. हर जगह कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. नॉर्मली मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस में आता है मरकरी.
मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर. सो दिस इज़ अबाउट द मेटल्स. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ ऑफ नॉन मेटल्स. अभी जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था, उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज हियर यू विल फाइंड. दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर. इनमें बहुत सारे कलर होते हैं, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, पर्पल होगा. तो दे कैन शो वैरायटी ऑफ कलर्स. दे डोंट हैव एनी शाइन. दे आर पुअर कंडक्टर. वो मेटल्स क्या थी? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट दीज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस और मेलेबल. ना तो वो सोनोरस होते हैं, ना लस्ट्रस होते हैं, ना मेलेबल होते हैं. इस तरह से दे आर लाइक दैट. इसके एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा. सम एलिमेंट्स हैव. अब आता है एक और कैटेगरी, दैट इज़ नोन एज मेटलॉइड्स. उसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स. क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. क्योंकि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, इसलिए हम उनको मेटलॉइड्स कहते हैं. उसके एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. दीज आर देयर एग्जाम्पल्स. सो आपने बच्चों देखा कि नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटल्स क्या हैं एंड मेटलॉइड्स क्या हैं. आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स. सो प्लीज़ नोट इट डाउन दैट द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स अभी तक नोन है केमिस्ट्री में. नोन है दीज मैनी एलिमेंट्स. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है नेचर में मिलते हैं एंड रेस्ट आर मैन मेड. मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड. ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, बट 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. पर 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं वो गैसियस स्टेट में हैं रूम टेम्परेचर पे. 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन. एलिमेंट्स गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर. कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स हैं जो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर, एवरेज रूम टेम्परेचर होता है 30 degrees 303 K. तो 303 K से अगर थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, दैट मीन्स इट बिकम्स द लिक्विड. कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स हैं जो गैलियम और सीजियम के नाम से जाने जाते हैं. तो दिस इज़ अबाउट द एलिमेंट्स. वी हैव डिस्कस अ लॉट वॉज देयर. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कंपाउंड्स. अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक या दो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, और दे कैन एग्जिबिट देयर ओन प्रॉपर्टीज़ और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं. लाइक अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें दो एलिमेंट्स हैं, सपोज H और O है, तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा. जहाँ भी उसका वो कंपाउंड बनेगा वहाँ उनका प्रोपोर्शन वही रहेगा. तो सच सब्सटेंसेस आर नोन एज कंपाउंड. सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन तो देन कंपाउंड्स आर मेड, तब कंपाउंड्स बन जाते हैं. अब आपको ये एक्टिविटी से ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी. आई विल डिस्कस दिस एक्टिविटी. डिवाइड द क्लास इंटू टू ग्रुप्स. हमने दो ग्रुप में क्लास को डिवाइड किया. गिव 50 grams ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 grams ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ दी ग्रुप्स. अब दोनों ग्रुप्स को हमने 50 grams आयरन फिलिंग दे दी और 3 grams सल्फर दे दिया एक चाइना डिश में. मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर. उन दोनों को मिक्स करिए और क्रश करके छोड़ दीजिए. सेकेंड में मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर एंड हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट. अब दूसरे ग्रुप में हमने क्या किया कि उसको मिक्स भी किया और उसको हीट भी कर दिया. अब हमने उसके नीचे से फ्लेम हटा दी. देन कम्स द ग्रुप 1 and 2. चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटीरियल ऑब्टेंड. अब जो हम बस ग्रुप ए का सब्सटेंस है जिसको हमने मिला के छोड़ दिया था सिर्फ, उसमें हमने मैग्नेटिज्म के लिए टेस्ट किया. मैग्नेट लाया नियर, तो वी विल फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू इट. बट सेकेंड केस में जब हम लोग
मिक्स करके हीट कर चुके छोड़ देते हैं, देन दे विल नॉट अट्रैक्ट द मैग्नेट, विल नॉट अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स, बिकॉज अ न्यू थिंग इज फॉर्म एंड दैट न्यू थिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ कंपाउंड. सो दिस इज ऑल अबाउट एंड यू कैन कंपेयर देयर टेक्सचर ऑल्सो, दे आर डिफरेंट. तो इस तरह से हम पाते हैं कि कंपाउंड्स कैसे बन जाते हैं. ये एक एग्जाम्पल था. अब इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट ऑफ द पार्ट इन विच यू विल सी द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एंड मिक्सचर्स आर ऑल्सो मेड, बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. वी हैव लर्न अबाउट द मिक्सचर अर्लियर ऑल्सो, बट नाउ इन डिटेल वी विल लर्न अबाउट दोज थिंग्स लाइक कंपाउंड्स एंड मिक्सचर इन डिटेल फॉर their differences, ki how they are different from each other. And till that, okay.